नमस्कार, मैं दीपल बाबा ग्यूमेट्री ट्रस्ट से। ये एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजते हैं, उनके पास काफ़ी सारा फंड होता है, अच्छा खासा बजट होता है। हमें उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वो पार्क्स के ऊपर, गार्डन्स के ऊपर, अच्छे अच्छे पार्क्स और गार्डन्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी खेलने की जगह बने। नेशन दैट इज़ ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स एंड प्लेइंग वेरियस गेम्स इज ऑलवेज अ हेल्दी नेशन। आज आप जर्मनी को देखिए, डेनमार्क को देखिए, आप जापान को देखिए, आप चाइना को देखिए, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम्स हैं। चलिए, मैं कहता हूँ कि स्टेडियम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन कम से कम एक बेसिक लेवल पे, प्राइमरी, जहाँ से शुरुआत होती है एक खिलाड़ी की, वो हमेशा उसके घर के अगल बगल या उसके नेबरहुड का या उस कॉलोनी का, उस छोटे कस्बे का, उस गांव का पार्क, ट्री गार्डन है ना, होता है। तो हमें अच्छे अच्छे पार्क्स बनाने चाहिए। गवर्नमेंट को शुड इन्वेस्ट हेविली into parks and gardens so that our children can play games over here, sports के छोटे छोटे events हो सके। जो बहुत बड़े budget के की चीज़ें होती हैं वो तो देखिए stadiums में ही होंगे, लेकिन we are talking low budget things, something very practical, something which can be done every evening, every weekend। तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी healthy रहेंगे, वो खुरापात नहीं होगा उनका दिमाग, फिर उनकी पूरी energy हेल्थ गिविंग स्पोर्ट्स में आएगी, ना कि वो स्मोकिंग में, ड्रग्स एडिक्शन में, या खाली बैठ के घर में और कोई खुरापात करे। इट्स बेटर दैट देयर यंगस्टर्स दे पुट देयर एंटायर एनर्जी ऑन टू द प्लेग्राउंड। सो वी शुड एंड वी मस्ट इन्वेस्ट ऑन प्लेग्राउंड्स, ऑन ट्री पार्क्स, ऑन गार्डन्स।